सोलन नगर निगम में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज कुछ देर के लिए रुके। नगर निगम पहुंचने पर अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर और उपाध्यक्ष मीरा आनंद ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा वरिष्ठ नेता राजेश कश्यप भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। नगर निगम के प्रारूप को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कमिश्नर और अन्य उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए ताकि शहरवासियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। इस मौके पर सुरेश भारद्वाज ने बताया कि अब हिमाचल में 4 नगर निगम है जिनके चहुंमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगमों में विकास के लिए धन की कोई कमी न आए इसके लिए पहले से ही धन की व्यवस्था भी की जा रही है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में बने 3 नगर निगमों में विशेष विकासात्मक गतिविधियों के लिए मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए जारी कर चुके हैं। ये राशि इसलिए जारी की है ताकि जो पंचायतें नगर निगम में शामिल हुई हैं उनका विकास प्राथमिकता के आधार पर हो सके। वहीं शहर में स्वच्छता और पानी की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए 2 करोड़ रुपए अलग से जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि नगर निगमों का चहुमुखी विकास हो और धन की कमी उसमें आड़े न आए। उन्होंने कहा कि गांव की तर्ज पर मनरेगा की तरह शहर में भी मुख्यमंत्री आजीविका गारंटी योजना चली है जिसमें बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। अगर रोजगार उपलब्ध नहीं होता तो उन्हें 75 रुपए भत्ता सरकार प्रतिदिन देती है। क्योंकि धर्मशाला नगर निगम पुराने नगर निगम है उसका कार्यकाल 8 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि सभी नगर निगम जो जिनका कार्यकाल 8 अप्रैल से पहले खत्म हो रहा है वो प्लस जो नए नगर निगम हैं उनका एक साथ चुनाव करवाया जाए। शिमला नगर निगम का कार्यकाल अभी जून 2022 तक है, इसलिए उनका चुनाव जो है अपने ड्यू डेट पर अगले वर्ष होगा। तो 4 नगर निगम में से 3 नई नगर निगम जो बनी हैं इसमें अभी वर्किंग में, क्योंकि इलेक्टेड हाउस नहीं है, कमिश्नर ही यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी जो है वो वर्किंग करते हैं, इसलिए कुछ कठिनाइयाँ जो हैं वो काम में उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए सब स्थानों पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हों, जो नए क्षेत्र मिले हैं नगर निगम में उनमें भी कामकाज प्रारंभ हो, इस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो वित्त मंत्री भी हैं, तीनों नई नगर निगम को 1-1 करोड़ रुपया विकास कार्यों को करने के लिए मंजूर किया है। और जो नगर पंचायतें हैं सभी नगर पंचायतों को 10-10 लाख रुपया जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए मंजूर किया है। सोलन नगर निगम को भी और बाकी नगर निगम को भी, इसके अलावा ये स्पेशल 3 नगर निगम के लिए है, लेकिन जो सभी नगर निगमों को पैसा टाइड मनी जाता है, जैसे स्पेसिफिकली स्वच्छता के अंतर्गत और साथ ही साथ जो है वो पानी के लिए, सोलन नगर निगम को 2 करोड़ 80 लाख रुपया पानी और स्वच्छता के लिए ऑलरेडी जो है वो रिलीज कर दिया गया है और 1 करोड़ रुपया स्पेशल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए किया है। इसीलिए मैंने जो है आज इनके अधिकारियों से जो है वो बैठक रखी थी कि भी आप अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो इस पैसे से प्रारंभ कर दें और फोकस उसमें उन क्षेत्रों में रहे जो नए नगर निगम में जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से मिले हैं। नगर निगम में मिलने से उनको नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि एक जो है ऑब्जेक्शन रहता था कि मनरेगा गांव में है शहर में नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार हिंदुस्तान में ऐसी पहली सरकार है जिसने शहरी क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री आजीविका गारंटी योजना नाम से मनरेगा के पैरेलल जो है स्कीम प्रारंभ किया है, जिसमें सारी नगर निगमों में जो है वो आजकल नगर परिषदों में जो है वो लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। 15 दिन में जो है उनको रोजगार दिया जाता है जब रजिस्ट्रेशन करता है, अगर रोजगार नहीं देते हैं तो 75 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जो है वो उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है।